बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। आप कैसे हो? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, फूलों की तरह खिलते रहो, मुस्कराते रहो। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता। आज मैं आपके लिए बहुत प्यारे स्टाइलिश है हैंड बैग लेकर आई हूँ, जो कि लेदर के हैं, जो हमारी बच्चियाँ लेदर के पसंद करती हैं। स्टाइलिश तमाम इसमें बैग हैं जो स्टाइलिश हैं, एक से एक आला क्वालिटी है। ये बैग जो हैं हमारे हर घर की ज़रूरत बन चुकी है। हर घर में जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, उनको हमें हैंड बैग के बगैर गुजारा नहीं। घर में भी हमें हैंड बैग के बगैर गुजारा इसलिए नहीं, तमाम ज़रूरी अशियाँ हम हैंड बैग में रख कर घर रूम में लटका देते हैं, ताकि हमें ज़रूरत पड़ने पर अपनी अशिया आराम से निकाल कर इस्तेमाल कर लें। मेडिसिन भी हम अपने पर्स में रख सकते हैं इसलिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन भी इसी में रखा जाता है, शनाख्ती कार्ड, एटीएम कार्ड, डायरी, मार्कर, बॉल पेन, पेन पेंसिल, ये अशिया भी इसलिए ज़रूरी लिखना। कहीं पर जाकर हमें एड्रेस लिखना पड़ जाए तो हम फट से अपनी बैग में से निकाल कर अपना एड्रेस लिख सकते हैं, इसलिए कि हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं। मांग कर शर्मिंदगी होती है, इसलिए हमें हर वो सामान अपने बैग में रखना चाहिए। जब बैग हमारी ज़रूरत की सामान का के लिए हिफाजत के लिए हमें हैंड बैग मिला हुआ, तो फिर हम क्यों नहीं अपनी ज़रूरी सामान इसमें रख कर लेके जाएं? किसी से मांगने की क्या ज़रूरत है? मांग कर शर्मिंदा क्यों है? अपना सामान हम अपने हैंड बैग में रख कर बड़ी आसानी के साथ जा सकते हैं। हमें मार्केट पहुंच कर जब हम हाथ में बैग लेकर पहुंचते हैं तो मार्केट वाले देखकर भी हैरान होते हैं, ये तो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है इस लेडीज़ की, शायद ये हमारी शॉप से बहुत सारी ख़रीदारी करेंगी। जब हैंड बैग की वजह से ही हमारी पर्सनैलिटी बनती है। पर्सनैलिटी में एक नंबर है, जब हम मार्केट पहुंचते हैं तो ये दो नंबर हो जाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी तीन नंबर हो जाती है। फिर हम जब ख़रीदारी कर लेते हैं तो तमाम अशिया हमारी मर्ज़ी के मुताबिक मिल जाए तो हम खुश होते हैं, और खुश होकर अपने बैग में रख कर लेकर आते हैं। जब हम घर पहुंचते हैं तो हमारी बच्चियां पूछती हैं, आज मम्मा क्या ख़रीदारी की है? जो भी ख़रीदारी की वो सब मम्मा बता देती हैं, मैं आपके लिए आज बेटा ड्रेस लेकर आई हूँ, या आपके लिए हैंड बैग लेकर आई हूँ, आपके लिए ब्रश लाई हूँ, मेकअप का सामान लाई हूँ। क्योंकि मेकअप के सामान रखने के लिए भी हमारा हैंड बैग बहुत ज़रूरी है, इसमें तमाम ज़रूरी अशिया रख सकते हैं हम। विंटर सीजन में हमने लोशन, वैसलीन वगैरह ज़रूर रखनी होती है। हमें तिब्बत करीम जो इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करनी पड़ती है, ये बहुत पहले की करीम है, अब हम अपने इस्तेमाल में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इसके फ़ायदे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो और वॉइस पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद करना, दोस्तों में शेयर करना, कमेंट कर ज़रूर बता देना आज के हमारे हैंड बैग कैसे लगे। हैंड बैग तो बहुत क्लासिकल के हैं, कोई ऐसा नहीं है जो आपको पसंद ना आए। पसंद तो ऐसी है वैरायटी के, आप चॉइस हर किसी की अलग अलग होती है। ये मैंने सब अपनी चॉइस के मुताबिक यूज़ कर कर आपके लिए आइडिया दिया है। बच्चियों, जो भी आपको हैंड बैग पसंद आए, आप ख़रीदारी कर सकती हैं, मंगवा भी सकती हैं घर बैठकर। बहुत सारी अपने पाकिस्तान में सहूलतें आ गई, घर बैठे ऑर्डर पर हर एक एशिया मंगवा सकते हैं। हमें घर की हर ज़रूरत के लिए हमारे पास फ़ोन नंबर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कॉल करें फ़ौरन हमारा सामान घर पर आ जाए। कोई मुश्किल नहीं, घर पर हमारे जेंट्स हो ना हो, लेडीज अपना ये काम कर लेती है, फ़ोन पर ही सब सामान घर पर आ जाता है, मंगवा लेती हैं। कोई बात नहीं फिक्र करने की, ना टेंशन लेने की, अल्लाह ताला सब की मदद फरमाता है। दुआओं में याद रखना, हमेशा हर किसी का ख्याल रखना, मोहब्बत से पेश आना, सबकत से पेश आना, दिन अच्छे से गुजारना, हंसी खुशी शाम हो तो नमाज पढ़कर सोना। अल्लाह